नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक बार पैरालिसिस हो चुका है तो कितनी संभावना है दोबारा से आपको पैरालिसिस होने की, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें दो दो बार तीन तीन बार पैरालिसिस का अटैक हो चुका होता है। तो हमने उनसे सीखना होता है कि हमें दोबारा से अटैक पैरालिसिस का ना हो, क्योंकि जितनी बार ये नुकसान होगा उतनी ज़्यादा ही कठिनाई होती है उसे रिकवरी करने में। अगर आप एक बार रिकवर कर चुके हैं तो अपने आप को फिर भी बचा के आपने रखना होता है। तो हमने पहले समझना होगा कि पैरालिसिस किस वजह से हुआ था पहली बार। तो पैरालिसिस होने के कोई ज़्यादा कारण नहीं है, सिर्फ दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि खून का थक्का बनना, और खून का थक्का बनकर अगर वो दिमाग की किसी नस में जाके फंस जाता है तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। अब ब्लड अपने साथ क्या लेके जाता है? खाना लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। अगर आपके एक हिस्से को, दिमाग के हिस्से को खाना ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। बस यही हुआ था आपके साथ। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है नस का फटना। अब आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर आपका बीपी बढ़ता है तो अक्सर लोगों के नाक से कान से खून निकलना शुरू हो जाता है, उनको बहुत दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके नाक से खून निकलाए तो आपका बीपी फॉल कर जाएगा और आप बच जाओगे, मगर अगर यही ब्लीडिंग बाहर की जगह सिर के अंदर हो जाए तो ऐसे केसेस के अंदर ब्लड अंदर ब्रेन के अंदर फैल जाता है, और जिस एरिया में वो फैलता है वहाँ का जो सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं। और इस नस फटने की वजह से दूसरा टाइप का पैरालिसिस होता है जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। अब दोनों में ब्रेन के वो हिस्से को नुकसान पहुंच रहा था जो हमारे हाथ पैर को चला रहा था। मान लो कि क्लॉट आपका लेफ्ट साइड आता है तो आपका राइट साइड का जो एरिया है वो इफेक्टेड होगा, और अगर आपके राइट साइड में अगर क्लॉट आता है तो आपका लेफ्ट साइड का हाथ और पैर में उसका असर देखने को मिलेगा कि उसको चलाने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये तो बात हो गई कि क्यों हो रहा है। अब अगर हमने दूसरी बार अपने आप को बचाना है तो हमें इन्हीं चीज़ों से अपने आप को बचाना होता है। पहला है बीपी। आपका बीपी ना बढ़े। बीपी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो होती है 120/80 mm ऑफ HG। इसमें HG क्या है? मरकरी यूनिट्स हैं उसकी, उसको मत जाइएगा। अब अगर हमने बीपी को कंट्रोल में रखा हुआ है, अच्छे से कंट्रोल है, हम खाने में नमक कम खाते हैं, बीपी की मेडिसिन रेगुलर तरीके से लेते हैं और इसे लंबे टाइम तक बना के रखेंगे तो दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मगर अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेडिसिन बीपी की छोड़ देंगे और आपको कुछ नहीं होगा तो ये गलतफहमी बहुत सारे पेशेंट को पहले हो चुकी है और वो उसका नुकसान उठा चुके हैं, तो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपी आपका हाई रहता है, पहले से ज़्यादा आपको पहले हो चुका है, तो अपनी बीपी की मेडिसिन को किसी भी कीमत पर आप ना छोड़ें। दूसरे टाइप का हमने आपको बताया था पैरालिसिस, वो होता है खून के थक्के की वजह से। अब चलते हैं कि खून का थक्का बनता क्यों है। खून का थक्का तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो या फिर हमें डायबिटीज़ हो। अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, दोनों साथ साथ हैं, तो भी खून के थक्के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी खून का थक्का से दिमाग में नहीं जा सकता, ये आपके हार्ट की जो कैपिलरी सिस्टम होती है, जो नसें होती हैं, उनमें भी जा सकता है, उससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आपने पहला काम क्या करना है, अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है कि कोलेस्ट्रॉल सही मात्रा में है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अपनी जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है उसे किसी भी कीमत में नहीं छोड़ते। अपने खाने पीने के अंदर बदलाव करते हैं कि कम से कम घी तेल वाला खाना हम खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम जाए। अपनी एक्सरसाइज को इतना बढ़ाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशंस बॉडी में ना हो, क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज करने वाले इंसानों के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तो हमने थोड़े से बदलाव करने होते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन आप टाइम से लें। डायबिटीज़ को चेक करें कि वो कितनी है कितनी नहीं है शुगर लेवल, और अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा आ रहा है तो अपनी मेडिसिन में परिवर्तन करें जिससे हमारी बॉडी में शुगर के लेवल ठीक बने रहे। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर हम इन तीनों चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं तो किसी को भी पैरालिसिस होने की संभावना घट जाती है, जो हेल्दी है उसको भी नहीं होगा, और जिनको हो चुका है वो गलती से भी दूसरी बार शिकार नहीं बनेंगे। और अगर आपको पैरालिसिस पहले से हो चुका है तो दूसरी बार उसका शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में वो कंडीशंस पहले से तैयार होती हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, पहले से वो कंडीशन तैयार है। तो हमने अपने आप को बस इन तीन चीज़ों से बचाना होता है। अगर ये तीन चीज़ें कंट्रोल में हैं, हम मेडिसिन टाइम से अपनी ले रहे हैं, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी गलती पेशेंट क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बीपी की मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं शुगर की मेडिसिन ले रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरे में कोई आराम नहीं आ रहा, तो मैं मेडिसिन को छोड़ देता हूँ। जो
आपको एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है पैरालिसिस के अंदर, बीपी की, शुगर की, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या फिर खून पतला करने की, मानता हूँ कि आपको ठीक नहीं करेगी, मानता हूँ कि आपके हाथ पैर में वो जान लेकर नहीं आएगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम छोड़ दें, क्योंकि इसको छोड़ने से दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको दोबारा ना हो, ज़िंदगी पर परेशानी ना हो, इसी वजह से ज़िंदगी भर के लिए आपको वो बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया अगर आपको पहले हो चुका है तो दूसरी बार होने की संभावना किसी और से कई गुना ज़्यादा होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी मेडिसिन टाइम से लीजिएगा, आप अपने बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा आ रहे हैं, रिपोर्ट में दिख रहा है, तो आपको अपनी मेडिसिन में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ज़िंदगी पर फॉलो करते हैं तो आपके दोबारा से पैरालिसिस के स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। अब जिनको पैरालिसिस हो चुका है उनकी रिकवरी करने के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो पैरालिसिस के कारण तो आप समझ गए कि दिक्कत आपके ब्रेन के अंदर आई थी, वहाँ पे क्लॉट आया था, वहाँ पे नस फटी थी, तो ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है। अगर हम उसको रिकवर करना चाहते हैं, अगर अपने हाथ पैर में जान लेकर आना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत अपने ब्रेन से ही करनी पड़ेगी कि ब्रेन दोबारा से उस काम को करना सीखे। अब काम कौन सा? पैरों से चलने का, हाथ से चीज़ को पकड़ने का और छोड़ने का। तो हमने ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करना होता है, क्योंकि जब उसे खाना नहीं मिला था, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो ब्रेन का हिस्सा मर गया। अब वो हिस्सा दोबारा ज़िंदा तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, मरा तो कोई ज़िंदा होता नहीं है, मगर जो ज़िंदा हिस्सा है, ब्रेन का बाकी हिस्सा है, जो आपको चीज़ें समझने में हेल्प कर रहा है, देखने में हेल्प कर रहा है, थोड़ा बहुत चला रहा है, हमने उसे और ज़्यादा डेवलप करना होता है, और इसमें मेथड में काम करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो नहीं जानते, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार गूगल पर सर्च करके देखिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या मैकेनिज्म है। तो इसके सिर्फ स्पेलिंग है, आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, मेडिकल टर्म है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझ में आपको अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमें चोट लगती है, कहीं चोट लगती है, जख्म बनता है, कट बनता है, तो कुछ टाइम में वो जख्म भर जाता है। तो ये जो जो स्किन की जख्म भरने की पावर होती है, अपने आप को ठीक करने की पावर होती है, हड्डी टूटती है उसके ठीक होने की पावर, तो इसको हम कहते हैं हीलिंग, कि वो अपने आप हील हो गया। मगर ब्रेन में जब किसी टाइप का नुकसान होता है, उसकी जो रिकवरी का तरीका होता है, उसे हम हीलिंग नहीं कहते, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप के अंदर इतने परिवर्तन लेकर आते हैं कि जो हमारी खोई हुई क्षमता है वो वापस आनी शुरू हो जाती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्योंकि नेचुरल है, हर पेशेंट में देखने को मिलती है। वो दिन याद करो जब आपका पैरालिसिस हुआ था, जब आपका हाथ पैर नहीं चल रहा था, बिल्कुल बंद था, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा तो वो मर गया था, मगर अगले 6 महीने के अंदर आपके अंदर इतने अच्छे परिवर्तन आए कि आप चलने लगे, थोड़ा बहुत बोलने लगे, हाथ पैर चलने लगा। ठीक है, वो पूरा पहले की तरह नहीं है, बट वो चलने लगा है। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई। अब पैरालिसिस पेशेंट में कभी भी पहले 6 महीने में न्यूरोप्लास्टिसिटी नेचुरल है, वो होगी ही होगी। दिक्कत कब आती है? जब ये पहले 6 महीने बीत जाते हैं और पेशेंट की जो मूवमेंट्स हैं वो पूरी नहीं आती। अब सवाल है कि अब क्या करें? अब तो नेचुरल तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद होगी, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं, फिर भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो हमने बस इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म को दोबारा से स्टार्ट करना होता है। अब स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन ही इतनी पावरफुल होती है कि नेचुरल तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर सके। दूसरी चीज़ होती है डाइट। अब ब्रेन ने अपने आप को हील करना है, अब उसको कुछ ना कुछ तो सामान चाहिए होगा ना। तो वो सामान क्या होता है? खाने में जो जा रहा है प्रोटीन वो, और खाने में जो जा रहा है विटामिन्स वो। तो खाने में क्या ध्यान रखना है वो हम इस पर बहुत सारी वीडियोज़ पहले बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो खाना क्या खाना है एक पैरालिसिस पेशेंट को, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है पैरालिसिस में रिकवरी की, वो है एक्सरसाइज। अब इसे क्यों करना है, कैसे करना है, उसको समझने से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ब्रेन जो होता है, जिस काम को हम बार बार करते हैं उस काम में अच्छा होता चला जाता है। यानी अगर मैं स्विमिंग करता हूँ तो मैं स्विमर अच्छा बन जाऊँगा, मैं अगर वॉक अच्छा करता हूँ तो मैं एक रनर अच्छा बन सकता हूँ, मगर मैं स्विमर अच्छा नहीं बन पाऊँगा। तो हम जो काम बार बार करते हैं, हमारा ब्रेन उस काम को करने में और अच्छा 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 होता चला जाता है। तो अगर एक पैरालिसिस पेशेंट को चलने में दिक्कत है तो उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुद से पूछ के देखो। मैं आपको 2 सेकंड तो सोचा, आपने अंदर से क्या आवाज़ आई, आंसर क्या आया कि अगर वो चलने की दिक्कत है तो मुझे चलना चाहिए।
बट आप क्या कर रहे हो, आप तो साइकिलिंग कर रहे हो। आप साइकिलिंग करने से आप साइकिलिंग में अच्छे होगे, चलने में अच्छे होगे शायद नहीं, या फिर इतना आराम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको आउटपुट क्या लेनी है अपने बॉडी से। अगर आपने आउटपुट लेनी है कि मुझे चलने में अच्छा होना है, मेरा पैर ना घूमे, मेरा पैर अच्छी तरीके से चले, तो आपको चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा रहेगा। अब पैर कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, कितनी देर चलना है, कितनी देर नहीं चलना, मैं बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूँ, आप उसको जाके देखिएगा। इसको इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। आपने बस ध्यान के रखना है, चलने के लिए, ठीक से चलने के लिए चलना ही पड़ेगा, और वो भी ढंग से। पैर को घुमा के नहीं रखना, उठा के रखना है। तो चेक करो अपने लेग की मूवमेंट की, उसमें घुटने को उठाने की ताकत है या नहीं है, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको एंड में दे दूंगा। अब हाथ के लिए भी सेम चीज़ है। अगर मुझे हाथ से अपना हाथ घुमाना है, चलाना है, उठाना है, उंगलियाँ पकड़नी है, कि इस सामान को छूना है, तो मुझे हाथ की एक्सरसाइज चाहिए। तो सारी की सारी एक्सरसाइज के लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक करके देखिएगा। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले, और वो कैसे रिकवर होते हैं उसको आप देखिए, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा बाकी एक्सरसाइज को समझने में भी और सही ट्रीटमेंट को अपनाने में भी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। सात मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है, कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए, तो इनको टाइम जरूर से ज़्यादा लगा है। इतना ही ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियाँ थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी, आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो अब जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है, चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से, पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती। उंगली में ताकत का तो आया है, लेकिन कम आया है, ठीक है। आपको चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ जरा। देखिए, ये टाइम लगता है, क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया, तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हूँ? हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। और क्या था, डाइट पर आपने ध्यान रखा? खट्टा वट्टा तो नहीं खाया?
साईं संजीवनी की ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है, कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साईं संजीवनी के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये, सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा कि साईं संजीवनी संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साई संजीवनी में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है, हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टर डॉक्टर कहते हैं, जितने डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश हमारी ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो वो आने वाले कुछ टाइम में तो कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या खाने पीने में? रोटी जो वेजिटेरियन है, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी, नमक सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल? चलिए, खट्टा बट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? दो घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटा इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? नहीं, हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी, ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आपसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करें कि घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पाकिस्तान और दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। स्पेस की दिक्कत थी, ट्रेडमिल चलाते थे तब, ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस पूरा हो गया, बारिश का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो वो हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर से फिर चालू हो जाएगा, अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा, रोज पानी पड़ जाता है, कोई बात नहीं, वक्त हमको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। आपको किसी भी टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साईं संजीवनी के डॉक्टर से आप
फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट हेल्प करता है, किस तरह से आपने खाने पीने में ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी होती है, रिपीटेशन करनी होती है। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको और फर्दर वीडियोज़ मिल जाएंगी, एक्सरसाइज की भी मिल जाएंगी, पैरालिसिस की बाकी पेशेंट्स के भी आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। धन्यवाद।